हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शिया सीड्स के बारे में। शिया सीड्स बेसिकली सेंट्रल और साउथ अमेरिका में मिलने वाला काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाने वाला एक सीड है। काफ़ी इसकी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, काफ़ी लोग इसको डायरेक्टली भी खाते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट पैक सब्सटेंस होता है, न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, इसेंशियल फैटी एसिड्स, काफ़ी चीज़ें इससे मिलती है। तो काफ़ी लोग हमें पूछते हैं कि चिया सीड्स खाना अच्छा है क्या, क्या ये हेल्दी प्रोडक्ट है, क्या सबको लेना चाहिए, किनको रिकमेंडेड है, किनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट इश्यूज है, तो आज हम बात करेंगे शिया सीड्स के बारे में। हमने ऑलरेडी फ्लैक्स सीड्स और बाकी चीज़ों पर वीडियो किया है, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। शिया सीड्स के सबसे पहले बेनिफिट्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। फाइबर्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सारी ही चीज़ें इसमें अच्छी मात्रा में रहती है। तो ये भले आप थोड़ा मात्रा में भी खाएं, तो आपका बॉडी का जो रिक्वायरमेंट्स है फाइबर्स का या प्रोटीन का या कैल्शियम मैग्नीशियम का, वो काफ़ी हद तक इससे फुलफिल हो जाएगा। आयरन भी होता है इसमें, तो ये काफ़ी हेल्दी चीज़ है, न्यूट्रिएंट डेंस है, मतलब इसमें वेस्ट चीज़ें कम है और काफ़ी छोटे से अमाउंट में आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी रहते हैं, जैसे क्वेरसेटिन, कैम्फेरॉल और क्लोरोजेनिक एसिड। ये सब्सटेंस भी हार्ट को और बॉडी को बाकी तरह के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से और ऑक्सीडेटिव जो सब्सटेंसेस हार्ट को डैमेज कर सकते हैं उनसे बचाती है। ऑक्सीडेटिव रिलेटेड हार्ट डैमेज को कुछ हद तक कम करती है, फ्री रेडिकल्स रिलेटेड डैमेज को कम करती है, तो ये भी काफ़ी हेल्दी चीज़ है। ये सब्सटेंस में को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, जो कि एजिंग को भी कम करती है, स्किन और बॉडी की हेल्थ के लिए भी अच्छी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है। बेसिकली इसमें दो तरह के फाइबर्स होते हैं, सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर आपके गट में जेल की तरह पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ पे लंबे समय तक रहता है, जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस काफ़ी बेटर हो जाता है और आपको भूख लगना कम हो जाती है। भूख कम लगती है तो फिर आपको ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होगी, वजन कम करने में आपकी मदद करेगा। इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो पानी को ऑब्जॉर्ब करता है, लेकिन वो ऑब्जॉर्ब नहीं होता तो वो मोशन के साथ निकल जाता है। कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। तो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम जिनको भी है, वजन ज़्यादा होने का प्रॉब्लम जिनको भी है और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जिनको है, उनके लिए अच्छा चीज़ है ये। नेक्स्ट है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। जो शिया सीड्स में सोल्यूबल इनसोल्यूबल फाइबर है वो हमारे पेट में जो कोलेस्ट्रॉल का अब्जॉर्प्शन है उसको कम करता है। कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली मोशन के साथ निकल जाता है, अब्जॉर्ब नहीं होता, तो ये उनके लिए हेल्दी फूड है जिनको भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। इसके साथ अलावा ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो बॉडी का थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो बीपी रिडक्शन के हिसाब से भी ये अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है कि वेट लॉस करने में मदद करता है। जैसा कि मैंने बोला, इसमें से सोल्यूबल फाइबर का जो कंटेंट है हाई फाइबर कंटेंट है, प्रोटीन है जो कि पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और उसमें कैलोरी कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में भी अगर खाते हो तो पेट को ये भरा रखता है, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगेगी और वजन कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये आपका बोन हेल्थ या हड्डियों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस का कंटेंट अच्छा होता है, जो कि बोन्स की हेल्थ के लिए अच्छा है। इसको रेगुलर बेस पे आप यूज़ करते हैं तो बोन की या हड्डियों की डेंसिटी को इम्प्रूव करता है, उनको कमज़ोर होने नहीं देता। तो उम्र दराज पेशेंट, खासकर उम्र दराज फीमेल पेशेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि कैंसर को कुछ हद तक कम करने में मदद करता है। इसमें कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तत्व है, जिसकी कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसको लेने से कभी कोई कैंसर नहीं होगा, पर ऑब्वियसली ये हेल्दी फूड है जिससे कैंसर होने का चांस कुछ हद तक कम मिलता है। इसके अलावा इसमें शुगर लेवल्स को कम करने में मदद करता है। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। इस प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो इसको खाने के बाद तुरंत शुगर बढ़ता नहीं है। जो भी फूड प्रोडक्ट्स में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, उसको खाने के बाद शुगर लेवल सडनली स्पाइक करता है, तो वो हेल्थ के लिए बुरा है। जो भी प्रोडक्ट्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, वो खाने से शुगर लेवल धीरे से बढ़ता है, तो वो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट माना गया है। नेक्स्ट है कि एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है। ये अच्छा सोर्स है एनर्जी का। जिन लोग को भी जो शिया सीड्स खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का अब्जॉर्प्शन को धीरे धीरे कर देता है, स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आपका सडनली कार्बोहाइड्रेट लेवल बॉडी का कम नहीं होगा, आपका सडनली ग्लूकोज लेवल कम नहीं होगा और सडनली आप हाइपोग्लाइसीमिया या एनर्जी क्रैश हो जाए बॉडी का, वैसा नहीं होगा। तो बॉडी के एनर्जी लेवल को भी थोड़ा सा अच्छा करता है। स्किन की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं, जो कि बॉडी के फ्री रेडिकल्स का डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। प्रीमैच्योर एजिंग के प्रॉब्लम और फ्री रेडिकल्स रिलेटेड जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए ये अच्छा है। स्किन को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखता है। लास्ट है कि ब्रेन की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ब्रेन का जिनको याददाश्त का प्रॉब्लम है, मेमोरी या कॉग्निटिव फंक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए भी अच्छा है। इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है
वो ब्रेन की हेल्थ के लिए हेल्दी माना गया है। इसको ज़्यादा मात्रा में लेने से आपका मेमोरी डिक्लाइन कुछ हद तक बेनिफिट मिलेगा। हाँ, डिमेंशिया ठीक हो जाएगा वैसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। इसमें नुकसान ये है कि किसी किसी को ये डाइजेस्टिव इश्यूज कर सकता है, किसी को ज़्यादा मात्रा में लेने से GI डिस्ट्रेस हो सकता है, पेट खराब हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में जिनको एलर्जिक रिएक्शन का इश्यूज है वो लेने से उनको एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, शक्कते पड़ सकते हैं शरीर में। कुछ कुछ मेडिकेशंस की अब्जॉर्प्शन को ये प्रिवेंट करता है, तो ज़्यादा मात्रा में अगर आप ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस के साथ अगर लेते हैं तो खून ज़्यादा पतला हो जाए और ब्लीडिंग चालू हो जाए, ऐसा हो सकता है। कुछ सब्सटेंस में टॉक्सिन्स रहते हैं, तो इसमें अगर आप प्रॉपर जगह पे इसको उगाया नहीं गया, प्रॉपरली इसको क्लीन नहीं किया गया, तो उसमें हैवी मेटल जैसे कि लेड और कैडमियम हो सकते हैं, जो कि हैवी मेटल टॉक्सिसिटी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं बॉडी के लिए, और इसमें लिवर और किडनी का फेलियर हो सकता है। थोड़ा कैलोरीज इसमें ज़्यादा है, तो अगर वेट लॉस के चक्कर में आपने इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर खा लिया तो ये अपने आप में आपको कैलोरी देगा, तो इसको खाने के बदले आप खाएं और उसके से खाने को कट डाउन करें तो फ़ायदा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसी को खाते रहे और साथ में खाना भी खाते रहे तो डेफिनेटली वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि कैलोरी इसमें काफ़ी होता है। नेक्स्ट है कि ब्लड प्रेशर, अगर जिनको ऑलरेडी बेस लाइन ब्लड प्रेशर कम है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो कर सकता है, क्योंकि इसकी बीपी रिडक्शन की प्रॉपर्टी है, तो बीपी को ज़्यादा कम भी कर सकता है, जो कि हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। अब अगला सवाल ये आता है कि कितनी मात्रा में दिन भर खाना चाहिए। यूजली रिकमेंडेड है कि 1 से 2 बड़ा चम्मच आप इसमें खा सकते हो, दिन भर में 15 से 30 ग्राम आप इसमें खा सकते हो, तो ये हेल्दी है। इससे ज़्यादा खाएंगे तो उतना फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान भी कर सकता है। कम खाएंगे तो डेफिनेटली जो बेनिफिट आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसको आप अलग अलग तरह से खा सकते हैं, डायरेक्ट भी खा सकते हैं, अलग अलग फूड्स में मिक्स कर सकते हैं, सब्जियों में, दही में, ओट मील में, सैलड्स में, बेक प्रोडक्ट्स में, अलग अलग चीज़ों में इसको मिक्स कर सकते हैं, और पानी के साथ मिक्स करके इसको एक जेल लाइक सब्सटेंस भी बन जाता है, जो कि आप इसको कुछ लोग इसको वेगन एग की तरह यूज़ कर सकते हैं सब्सटीट्यूट के फॉर्म में। इसको पानी के साथ मिक्स करके एक जेल बना लेता है, तो वो एग के जैसा टेस्ट करता है, तो इसलिए कई लोग इसको वेगन एग की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि शिया सीड्स हेल्दी चीज़ है, ज़्यादा मात्रा में लेने से फ़ायदा करेगा, पर हेल्दी बैलेंस डाइट के बदले नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दिन भर में कचरा जो भी समोसा कचौरी आप खाते रहें या बाकी अनहेल्दी प्रोडक्ट्स खाते रहें उसके साथ में आप उसके बदले शिया सीड्स को मान लें कि ये थोड़ा सा खा लेंगे तो बेनिफिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको इसको हेल्दी डाइट के साथ ही मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बेसिकली मेरा रिकमेंडेशन ये है कि दिन भर में 1-2 चम्मच आप इसको खा सकते हैं, बाकी फूड प्रोडक्ट्स के साथ में ले, बाकी हेल्दी डाइट के साथ में ले तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनस है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ले और बाकी हेल्दी हैबिट्स को ना भूलें। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरीज, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, आप तुरंत उस कंटेंट को देख सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर कंटेंट बहुत डिटेल में नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसको हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी रील्स के फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं। इसमें सारे टॉपिक का आपको 1 मिनट ब्रीफ समरी मिल जाएगा, इसे आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। कंटेंट ढूंढने में आसानी हो इसके लिए हमने सारे टॉपिक्स को प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है, प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक के हिसाब से आपको कंटेंट मिल जाएगा। इन प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको आपकी बीमारी से रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट उतना नहीं होगा। थैंक यू।